म्यूजिक की आइकन आशा भोसले, जिन्होंने अपने पूरे करियर में काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं, और अब उनके इस अवार्ड की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। किसी भी अवार्ड से मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है। किसी भी अवार्ड से ऐसा कोई करता नहीं है। जो बहुत बहुत बड़े बड़े स्थान होते हैं, जैसे अमृतसर हुआ, जैसे वहाँ खाना होता है वो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और सिख लोग हैं जो बहुत पैसा वहाँ पर देते हैं और वो अन्न क्षेत्र चलता है, पर यहाँ का मैंने सुना भी नहीं था और मुझे मालूम ही नहीं था, पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भगवान आपके पीछे, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जैसे भाई ने बोला कि मैं अवार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन अवार्ड कौन सा है वो देख के लेती हूँ। जब अक्कलकोट महाराज जी का जो नाम उसने लिया, तब मैंने उसको कहा कि हाँ मैं अवार्ड लेने आती हूँ। यानी कि जगह बहुत दूर है, यहाँ से मुझे पुणे जाना पड़ेगा, पुणे से सोलापुर जाना पड़ेगा, वहाँ से अक्कलकोट कहाँ है वो पता नहीं मुझे। तो ये बड़ी बहुत बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए अब ये नहीं कह रही सकती हूँ कि इस उम्र में इस उम्र में इतना बड़ा ये करना मतलब प्रवास करना बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं होता होगा तो दूसरों के लिए मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगी वहाँ पर और पहली बार उस मंदिर में जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ये अवार्ड मुझे भाई ने दिया है। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मौके पर मुंबई में अनुभव सिन्हा ने मीडिया से बातें की और काफी रिलैक्स लगे क्योंकि उनकी फिल्म को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। सुबह 4 बजे तक लोगों के बधाइयों के जवाब देता रहता हूँ और फिर जब सो के उठते, ये वो लोग होते हैं जो रात को 10 बजे 11 बजे फिल्म देखने गए होते हैं, तो कोई 12 बजे निकलता है, कोई 2 बजे निकलता है, तो उनके मैसेजेस के जवाब देते रहता हूँ। और जब तक सुबह सो के उठता हूँ दोबारा, तो फिर उन लोगों के मैसेजेस आ चुके होते हैं जो सुबह 10 बजे का शो देखने गए होते हैं। तो इतना सारा प्यार मुझे लाइफ में नहीं मिला कभी, तो मैं बहुत खुश हूँ, प्यार बटोर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ उसको। एक्टर को ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं वो लोग, वो कैरेक्टर को ब्राह्मण बोल रहे हैं जो कि है, तो अच्छी बात है, बात कर रहे हैं, बात करनी चाहिए। इस फिल्म का मकसद ही ये था कि इसके मुतालिक, इस सब सब्जेक्ट के मुतालिक बात की जाए, तो लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, उन्हें जो कहना है वो कह रहे हैं, बात होनी चाहिए। बात होनी बंद हो गई थी इस विषय पर, सबसे ज़रूरी यह है कि बात हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, पता नहीं मुझे। मुंबई में कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर नजर आई डायरेक्टर प्रकाश और कंगना ने अपना तजुर्बा साझा किया और इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये कहानी उनके असल जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है और ऐसे में ऋतिक रोशन और उनके को स्टार इस फिल्म को जमकर प्रमोट कर रही है।